हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम बात करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 9। ये हमारे पास तो फोन है और इस फोन में जो प्रॉब्लम है इसमें FRP लगी हुई। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे, आपके पास टेक्नो स्पार्क 9 फोन है उसमें आपसे FRP और गूगल अकाउंट लग जाता है, तो उसकी FRP आप किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं, तो देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अपना फोन दोस्तों वाईफाई नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना, तो मैं अपना फोन दोस्तों वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही इसे आगे बढ़ाते हैं पैटर्न और गूगल अकाउंट मांगता है, इससे आगे हमारा फोन दोस्तों नहीं। और इसमें जो वर्जन है वो एंड्रॉइड 12 वर्जन दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के साथ फोन है, और इसमें जो ओल्ड मेथड था FRP बाईपास करने का वो बिल्कुल भी इसमें काम नहीं कर रहा। जो एंड्रॉइड सेटअप और गूगल प्ले सर्विस थी वो बिल्कुल भी इसमें ओपन नहीं हो रही, तो आपको बिल्कुल हम नया तरीका बताने वाले हैं दोस्तों। आपको करने का यहाँ से अपना फोन बैक करना, तो मैं बैक कर लेता हूँ। और बैक करने के वास्ते वाईफाई के सामने आना है, तो मैं आ जाता हूँ वाईफाई के सामने। दोस्तों बार कोड है, तो आपको बार कोड पर क्लिक करना है, तो मैं कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने वास्ते बार कोड के नीचे नियरवी का ऑप्शन है, तो नियरवी पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ नीचे टर्न ऑन के लिए बोलेगा, तो आपको टर्न ऑन पर जाना, तो मैं चला आता हूँ। इसके बाद नीचे नीड हेल्प सेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ क्लिक करना, तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ हेल्प के सामने 3 डॉट आएंगे, ये आ चुके हैं हेल्प के सामने 3 डॉट, तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। फिर शेयर आर्टिकल पर जाना, तो मैं चला आता हूँ। इसके बाद दोस्तों करना क्या है, यहाँ से ये एक्सेयर मिनी डाटा फ्री है, तो आपको इसे ओपन करना, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से एक्सेयर मिनी डाटा फ्री, तो आपको ओपन करना है। यहाँ से परमिशन मांगा, तो इसे अलाउ कर देनी पहले, तो मैं कर लेता हूँ। नीचे हाई स्पीड मोड जो है इसे यहाँ से ऑफ करना, तो मैं कर लेता हूँ। अभी इसमें बारकोड बन चुका है, बारकोड बनने वाला, तो आप करना क्या है, इसमें एक दूसरे फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको एक दूसरा फ़ोन लेना, कोई सी भी कंपनी का आप यहाँ फ़ोन ले सकते हैं, एंड्रॉइड फ़ोन होना चाहिए। तो मैं एक फ़ोन ले लेता हूँ, और फ़ोन लेने के बाद उसको करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना, तो मैं चलाता हूँ क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ से एक साइड है जिसका नाम है BK स्मार्ट फ़ोन, तो आपको यहाँ से एक साइड डालनी है जिसका नाम है BK स्मार्ट फ़ोन, तो मैं लिख लेता हूँ। BK स्मार्ट फ़ोन लिखना है और सर्च करना, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ। और सबसे ऊपर वाली जो साइड आएगी BK स्मार्ट फोन.com वाली, इस पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ गूगल अकाउंट पर 2023 पर जाना, तो मैं चलाता हूँ। और यहाँ एक दूसरे नंबर की एप्लीकेशन है, तो यहाँ ये वाली डाउनलोड करनी है, और एक 5 नंबर की एप्लीकेशन है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर मैं देख लेता हूँ यहाँ डाउनलोड हुई नहीं हुई। यहाँ से हमारी एप्लीकेशन दोस्तों दोनों डाउनलोड हो चुकी है, आपको करना क्या बैक करना है, तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। और बैक करने वास्ते आपको करना क्या, एक प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन हो रहा है जिसका नाम है XRealme, तो आपको यहाँ से XRealme लिखना है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ XRealme, तो XRealme लिखना है और सर्च करना है। तो सबसे ऊपर वाली जो एप्लीकेशन आएगी, इस वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से ये वाली एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड करनी। तो ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है, होने के बाद तो बैक करना, और बैक करने के बाद यहाँ से XRealme जो हमने डाउनलोड करी इसे यहाँ से ओपन करना, तो मैं कर लेता हूँ। XRealme को यहाँ से ओपन करना है, XRealme को इसे एग्री करना, पहले परमिशन मांगेगा, परमिशन जो इसे अलाउ कर देनी। इसके बाद यहाँ से दोस्तों इसमें करना क्या, रिसीव करना है, तो मैं रिसीव कर लेता हूँ। ये परमिशन मांग रहा है पहले इसे जो अलाउ करना, और जो उसमें बार कोड है ये वाला स्कैन कराना है इसमें, तो मैं करा लेता हूँ। इसमें कैमरा ओपन हो जाएगा, और जिसमें FRP लगी हुई है उसका बारकोड इसमें स्कैन कराना है, ये एक दूसरे से फ़ोन जो है कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें रिसीव कर लेता हूँ, और ये वाला बारकोड इसमें स्कैन कराना है। जैसे ही हम स्कैन कराएंगे दोस्तों, जो फ़ोन है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, हमारे फ़ोन ये कनेक्ट हो चुके हैं। आपको करना क्या, यहाँ से डिस्कनेक्ट पर क्लिक करना नीचे, तो मैं कर लेता हूँ एक्सिट। दोनों फ़ोनों में एक्सिट करना, फिर इसमें भी एक्सिट, फिर व्यू का ऑप्शन आएगा दोनों फ़ोनों में, तो आपको व्यू पर क्लिक करना, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से। इसमें भी व्यू पे क्लिक करना, और इसके बाद दोस्तों करना क्या, रिसीव के सामने बैक का ऑप्शन है दोनों फ़ोनों में, तो आपको बैक करना है दोनों फ़ोनों में, तो मैं कर लेता हूँ। और जैसे ही हम बैक करेंगे, अब बैक करने वास्तव जिसमें हमने एप्लीकेशन डाउनलोड करी है दो, उसमें से हमें सेंड करनी है, तो मैं सेंड पे कर लेता हूँ। फिर ऐप्स में चले आता हूँ, और ये दो एप्लीकेशन यहाँ से जो सेंड कर लेता हूँ इस वाले फ़ोन में जिसमें FRP लगी हुई है, इसमें आप करना क्या, रिसीव करना है। तो यहाँ से मैं इसमें रिसीव कर लेता हूँ, इसमें बारकोड बन जाएगा जिसमें हमने एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी। इसमें हाई स्पीड मोड को इसे ऑफ कर देना पहले, ये वाला बारकोड इसमें स्कैन करना, तो मैं करा लेता हूँ। जैसे हम बारकोड स्कैन कराएंगे दोस्तों, दोनों फ़ोन फिर से हमारे कनेक्ट हो जाएंगे, और दोनों एप्लीकेशन इसमें से उस वाले फ़ोन में चली जाएंगे, तो मैं दिखा देता हूँ कनेक्ट होने वाले हैं। और जैसी एप्लीकेशन जाएंगी, दोनों एप्लीकेशन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएंगी अपने आप। ये फ़ोन कनेक्ट हो चुके हैं, दोनों एप्लीकेशन इसमें जा रही हैं और ये इंस्टॉल हो जाएंगी। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों करना क्या है, जो FRP बाईपास एप्लीकेशन है इस वाली एप्लीकेशन को ओपन करना। इस वाले फ़ोन का दोस्तों काम हो चुका है, इसे आपको साइड में रख देना, तो मैं रख लेता हूँ। अब जो इसमें FRP बाईपास है इस वाली एप्लीकेशन को ही ओपन करना, इसका दोस्तों वाईफाई बंद हो जाता है, ये बंद हो चुका है इसका वाईफाई, तो आपको वेट करना है जब तक आपका वाईफाई नहीं आया इसमें, क्योंकि हम जब तक वाईफाई नहीं आने का ऐसे ही बढ़ाएंगे तो दोस्तों ये फेल्ड हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, अभी वाईफाई नहीं आया इसमें, तो यहाँ से बैक कर लेता हूँ।
अभी जैसे हम बढ़ाएंगे दोस्तों ये बैक हो जाएगा, ब्राउजर साइनिंग यहाँ से खुलने का नहीं, क्योंकि नेट नहीं आ रहा इसमें, वाईफाई जो फ़ोन का नेट नहीं है, इसका वेट करना है, वाईफाई जरूर आ जाता। ये आ चुका है दोस्तों वाईफाई। आप करना क्या, FRP जो बाईपास एप्लीकेशन है, इस वाली एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करना, तो मैं कर लेता हूँ। फिर थ्री डॉट में जाना ऊपर, फिर ब्राउजर साइनिंग पे क्लिक करना है, फिर यहाँ ओके ओके करने वास्ते यहाँ से करना क्या है कि ईमेल आईडी आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले बना लें, दूसरे फ़ोन में जाके ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ डालना है, तो मैं डाल लेता हूँ। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो पहले दूसरे फ़ोन में आप प्ले स्टोर में जाके बना लें ईमेल आईडी और पासवर्ड, वही ईमेल आईडी और पासवर्ड इसमें डालना है आपको, तो मैं डाल लेता हूँ। और ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने वास्ते करना क्या है, यहाँ से अपना फ़ोन बिल्कुल बंद नहीं करना दोस्तों, आपको यहाँ से बिल्कुल बैक करना है। कभी आप यहाँ रिबूट कर दें या स्टार्ट कर दें, बंद कर दें, तो बंद नहीं करना दोस्तों, आपको अपना फ़ोन यहाँ से बिल्कुल बैक करना है। तो यहाँ से बैक कर लेता हूँ, बिल्कुल बैक आने वास्ते करना क्या है, यहाँ से फिर नेक्स्ट करना है। अभी हमारा फ़ोन क्या है दोस्तों, यहाँ से वाईफाई से आगे नहीं बढ़ना, तो हमें वाईफाई पहले बंद करनी है, यहाँ से मैं बंद कर लेता हूँ। 4 गेट पर क्लिक करना और वाईफाई बंद करके बैक आना है, और बैक आने वास्ते फिर से हमें जो नेक्स्ट करना है यहाँ से। और जैसे हम नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो वाईफाई जो हमें फिर से कनेक्ट आनी है, और जैसे हम वाईफाई फिर से कनेक्ट आएंगे, हमारा जो फ़ोन है बिल्कुल आगे बढ़ जाएगा। और जो पहले इसमें पैटर्न मांग रहा था दोस्तों, जो गूगल अकाउंट जो मांग रहा था, उसकी जगह दोस्तों यहाँ जो हमने अकाउंट ऐड करा, वो अकाउंट ऐड का ऑप्शन जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। यहाँ डोंट कॉपी पे क्लिक करना, नीचे मैं कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आ चुका है अकाउंट ऐड का ऑप्शन, अब यहाँ नेक्स्ट करना, और जो हमारा फ़ोन था बिल्कुल फाइनली ओके खुल जाएगा। तो आपको भी अपना फ़ोन दोस्तों इस तरीके जो सही करना, अगर आपके पास टेक्नो स्पार्क 9 फ़ोन है, वो फ़ोन आपसे हार्ड रिसेट हो जाता है, उसमें आप FRP लग जाती है आपसे, तो उसकी FRP आप इसी तरीके जो बाईपास कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं स्किप कर लेता हूँ, स्किप करना है, फिर नो थैंक्स। जो हमारे फ़ोन का सेटअप था वो फाइनली दोस्तों कंप्लीट होने वाला, तो आप भी अपना फ़ोन दोस्तों इस तरीके जो सही कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्नो स्पार्क 9 फ़ोन है, उसमें आपसे FRP लग जाती है, तो उसके FRP भी आप इस तरीके जो बाईपास कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए, जो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। तो हमारा जो फ़ोन है वो फाइनली ओके, जो इसका सेटअप था वो फाइनली ओके खुलने वाला है, और हमारा फ़ोन दोस्तों बिल्कुल जो सही हो गया। अगर दोस्तों आपका फ़ोन सही हो जाए, जरूर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। तो देखें दोस्तों, जो हमारा फ़ोन है बिल्कुल ओके हो चुका है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए, जो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो देखना, आपका दिन शुभ हो।